गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों, मैं रुपेश कुमार आप सभी को मेरे चैनल एग्जाम विद मार्क में स्वागत है। मुझे आशा है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी तरह से चल रहे हैं। उसके देखते हुए हमने सबसे पहले प्रोबेबिलिटी चैप्टर का चालू किया हूँ, जो लगता है 4-5 वीडियो हमने धारा है। ये जो है आज ताश से संबंधित कुछ कंसेप्ट है जो हमने लेकर आया हूँ, तो चलिए इसको देखिए। देखिए ताश में टोटल कार्ड की संख्या कितना होता है, 52 होता है। टोटल कार्ड की संख्या 52, ये सब जो दिख रहा है ये टोटल कितना है, 52 गो है, कई गो 52 है। ये जो आपको दिख रहा है ये 52 है। अब देखिए इसको किस किस भाग में किस तरह से बांटा गया है, तो चलिए इसको देखिए। चलिए इसको देखिए कि किस किस तरह से बांटा हुआ है। देखिए ये भी जो दिया हुआ है ये भी टोटल कितना है, 52 कितना है, 52 है। चलिए अगर नेक्स्ट देखिए, देखिए आप कलर के आधार पर बांट दिया गया है। कलर के आधार पर क्या कर दिया, बांट दिया गया है दो भागों में। ये हो गया ब्लैक कलर 26 गो, ये लाल कलर ये भी कई गो 26 गो। चलो आप देखिए, अब जो कर दिया लाल और काला 26-26 गो था, उसको दो भागों में बांट दिया गया था। अब जो है चिन्ह, ये प्रतीक जो है, ये जो आपका प्रतीक दिख रहा है चित्र यानी कि चिन्ह, जो ये चिन्ह दिख रहा है उसके आधार पर उसे चार भागों में बांटा गया। कई भागों में, चार भागों में, 1, 2, 3, 4 भागों में बांटा गया। देखिए ये जो दिख रहा है फिगर, इसको क्या कहते हैं, चिड़ियाँ या क्लब्स कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लब। ये जो दिख रहा है काला, इसको कहते हैं हुकुम या काला पान, या इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पेडिस कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पेडिस कहते हैं। ये जो दिख रहा है चित्र, इसको क्या कहते हैं, ईट या डायमंड, ईट या डायमंड। ये जो लाल दिख रहा है उसे क्या कहते हैं, लाल पान, लाल या लाल पान या हार्ट, हार्ट मतलब दिल। ये सब कई गो है, ये सब टोटल आपका 13 गो है, कई गो है, 13 भाग में बांट दिया गया। नहीं तो टोटल कितना, 52, टोटल 52। अब देखिए किस तरह बात आया हुआ है, देखिए अब ये जो देखिए, अब जो ये चिड़िया दिख रहा है, जो चिड़िया दिख रहा है कई गो है, 13 गो, गिनिए इसको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये क्या है, 13 गो होता है। देखिए इसको क्या कहते हैं, इक्का, इसको क्या कहते हैं, इक्का। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फिर से, तो इसको इक्का कहते हैं। अगला देखिए क्या कहते हैं, ये देखिए लाल पान, क्या देखिए, लाल पान, लाल पान भी 13 हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये भी क्या है, 13 हुए। तो 13 कई हो गया आपका, 26 हो गया। अगला देख लीजिए, 26 हो गया। अगला देखिए नेक्स्ट, काला पान वाला, कौन वाला, काला पान वाला, ये भी आपका क्या है, 13 हुआ, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो आपका क्या हुआ, 3 हुआ, 39 हुआ। अब देखिए अगला नेक्स्ट देखिए, ये अब भी आपका कौन, डायमंड वाला आ गया, कौन वाला क्या, डायमंड वाला, ये भी 13 हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अगला फिर देखिए क्या दिया हुआ है नेक्स्ट में। अब देखिए जो दिया हुआ है
कि प्रत्येक कर्ण में प्रत्येक कर्ण की कुल संख्या क्या है? चार है। प्रत्येक कर्ण की कुल संख्या मतलब प्रत्येक कर्ण की संख्या चार है के आधार पर बांटा गया है, जिसमें से प्रत्येक में क्या है, चार चार गो कोई संख्या है। जैसे देखिए ए गो दू गो तीन गो चार गो, दो ए गो दू गो तीन गो चार गो, तीन ए गो दू गो तीन गो चार गो, चार एक दो तीन चार, पाँच एक दो तीन चार, छः एक दो तीन चार, सात एक दो तीन चार। यानी कि इसका कहने का मतलब हुआ कि 13 पत्ती होता है, कई होता है, 52 गो टोटल होता है। तो प्रत्येक के क्या होता है? चार चार होता है। प्रत्येक कर की कुल संख्या क्या होता है? चार चार गो होती है। कई गो? चार चार गो दिखाए गए इसमें जो दिया हुआ है, कई गो? 28 गो। कई गो? 28 गो। इसको गिनेंगे तो क्या हो जाएगा? 28 गो। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो शेष बचा हुआ है वो ये बचा हुआ है। जो शेष बचा हुआ था वो कौन बचा हुआ था? ये वाला 28 है, इसमें 24 है। अब बच गया था इसमें 8 9 10 11 12 13, इस टाइप से बोल सकते हैं। यानी कि इसमें भी 8 के गो है, चार चार गो है। यानी कि सब में चार चार गो है। प्रत्येक पत्ती की संख्या कई गो है? चार चार गो। और सब अलग अलग कलर का है, इसलिए 13 चक्का 52 होता है। 13 गुना मल्टीपल करेंगे 4 से तो क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला नेक्स्ट, चलिए अगला देखिए। ये इसको कहते हैं फेस कार्ड। क्या कहते हैं? फेस कार्ड। फेस कार्ड इसलिए कहते हैं कि उसमें क्या है, चित्र बना हुआ है। क्या बना हुआ है? चित्र बना हुआ है। क्या बना हुआ है इसमें? चित्र बना हुआ है। तब फेस कार्ड की कुल संख्या कितना? 12 गो। ये पूछता है और शेष बच गया। अब पूछेगा बिना फेस कार्ड की संख्या तो कई गो? 40 गो। तब ना टोटल जोड़ेंगे तो कितना देगा? 52। फेस कार्ड की संख्या 12 और बिना फेस कार्ड की संख्या 40 गो। अब देखिए नाम के आधार पर हम किसको क्या पुकारेंगे। ये जो जे लिखा हुआ है इसको क्या बोलेंगे? गुलाम। ये जो क्यू लिखा हुआ है इसको क्या बोलेंगे? बेगम या क्यून। ये जो के लिखा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? बादशाह। क्या बोलेंगे? बादशाह। ये जो ये लिखा हुआ है इसको क्या बोलेंगे? इक्का। इसको क्या बोलेंगे? इक्का। चलिए अगला नेक्स्ट देखिए। देखिए तो ये तो हो गया तीनों, इसको बोलेंगे 2 नंबर है ये, तो इसको बोलेंगे दुगी। 3 नंबर है तो तिगी, या फिर नंबर के आधार पर चौवा, पंजा, छक्का, सातवा, आठवा, नौवा, दसवा, यानी कि दाला। इस प्रकार से बोल सकते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो। तो लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। इसके बाद हमने इसका प्रश्न लेकर आऊँगा ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से सॉल्व हो जाए। यही हम आपसे विनती करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।